इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लोह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं, अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सब को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का ये स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसकी नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सबके लिए सर्वोपरि है।